खबर है जहां ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव देह विश्राम घाट पहुंच चुका है। कैप्टन वरुण के पिता केपी सिंह, भाई तनुज सिंह मौजूद हैं और बता दें आपको पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा समेत जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा, कुणाल चौधरी समेत जनप्रतिनिधि यहां मौजूद हैं और कैप्टन को अंतिम विदाई दी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वायुवीर की वीरता को आखिरी सलाम सेना के तमाम जवान, उनके साथी और साथ ही जनप्रतिनिधि दे रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता आकर्ष विश्राम घाट से लाइव बने हुए हैं। आकर्ष, आपसे जानना चाहेंगे कितना समय अभी और बाकी है जब कैप्टन वरुण सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी, क्योंकि हम देख सकते हैं तस्वीरों में श्रद्धांजलि समारोह जारी है। जी शुभांगी, इस वक्त मैं बैरागढ़ विश्राम घाट में ही हूँ और आपको तस्वीरें सीधी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं, सेना के अफसर हैं, वो आखिरी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री बिस्वास सारंग, वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं। इससे इनसे पहले, जनप्रतिनिधियों से पहले, तमाम सेना के जो लेफ्टिनेंट हों या आला अधिकारी हों, उन्होंने कैप्टन वरुण को अंतिम बार जो है श्रद्धांजलि दी थी। और इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पर जो सेना की औपचारिकताएँ जो रहती हैं, सलामी देने की बात करें, जिस तरीके से हमने जितेंद्र जो सीहोर के जवान जब शहीद हुए थे तो हमने देखा था 5 राउंड फायर कर उन्हें सलामी दी गई थी, तो यहाँ पर इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो सेना की औपचारिकताएँ होती हैं राष्ट्रीय सम्मान के साथ उन्हें सलामी दी जाएगी राउंड फायर करके। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी मध्य प्रदेश के पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा और उनके बाद अब आप देखेंगे पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा जो यहाँ पर कैप्टन वरुण को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं कन्नूर हादसे में कैप्टन वरुण गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 8 दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद उनका जो सेना के अस्पताल में इलाज चल रहा था, बुधवार सुबह सूचना आई कि दुखद उनका निधन हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश से उनका विशेष ताल्लुक रहा है, उनके पिता और वो यहाँ पर ही रहते थे और यही कारण है कि आज पूरा मध्य प्रदेश शोक की लहर में डूबा हुआ है कि आज उनका जो वीर है उनके बीच नहीं रहा है। क्योंकि इसी साल यदि बात करें उनकी वीरता को लेकर शुभांगी, उन्हें स्वर चक्र से सम्मानित किया गया था और यही कारण है कि वो सेना के सबसे बड़े अधिकारी जो CDS विपिन रावत का जो चॉपर है, MI चॉपर को उड़ा रहे थे। हालांकि कन्नूर हादसे में उनका दुखद जो निधन हो गया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हम कह सकते हैं कि एक मिसाल पेश की थी, जब तेजस विमान को सुरक्षित जब उन्होंने लैंड कराया था 10,000 फीट की ऊंचाई से, तो कहा जाता है यही कारण है कि उन्हें इतने बड़े स्वर सम्मान से सम्मानित किया गया था। और जो आने वाली पीढ़ी हैं जो फाइटर प्लेन उड़ाना, कहीं कहीं उन्हें वो सीख देकर चलने के तरीके दिखाना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधियों के साथ उनके पिताजी केपी सिंह आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे, उनकी उनके जो भाई हैं तनुज, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं हिंदू परंपरा के अनुसार महिलाओं को यहाँ पर नहीं आने दिया जाता है, यही कारण है कि उनकी माँ जो हैं श्रद्धांजलि सभा हाल जो है यहाँ से कुछ ही दूरी, आप साइड में एक बिल्डिंग एक देख रहे होंगे श्रद्धांजलि हाल जो है, वहाँ पर उनकी माँ और जो उनकी पत्नी हैं गीतांजलि, वो वहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी भावुक पल है शुभांगी ये परिवार के सदस्यों के लिए कि उनके परिवार का एक जो सदस्य है जो देश की सेवा करते हुए जिसने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। और यदि इनके परिवार की बात करूं तो इनके परिवार में जो इनके छोटे भाई हैं तनुज सिंह, वो नौसेना में पदस्थ हैं और इनके यदि पिताजी की बात करूं केपी सिंह, वो थल सेना में थे। मतलब तीनों प्रमुख सेनाएं जो हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों ही सेनाओं में उनके परिवार ने अपनी भागीदारी दी है और सरकार भारत की सेवा करते हुए वरुण सिंह का जो है दुखद निधन हो गया है। यही कारण है कि हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, जब उन्होंने कल श्रद्धांजलि दी थी तो उन्होंने कहा था कि वो परिवार के साथ हैं, जो सहायता होगी वो परिवार की वो करेंगे। और इसी तरीके से हमने देश के प्रधानमंत्री को देखा था, जिस तरीके से उन्होंने शोक व्यक्त किया था, राष्ट्रपति ने शोक व्यक्त किया था। कुछ ही मिनट बचे हैं जब पंचतत्व में जो हैं कैप्टन वरुण
ब्लीन हो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से उनका जीवन रहा है वो कई लोगों के रोल मॉडल रहे हैं। जब मैं यहाँ पर आया था शुभांगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि जब मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर कुछ छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे, स्थानीय कॉलोनियों में, आसपास की कॉलोनियों में जो रहते हैं, कैप्टन वरुण की फ़ोटो रखे हुए थे और रियल हीरो बोल रहे थे। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान स्वयं यहाँ पर पहुँच चुके हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बिल्कुल आकर्ष, तस्वीरों में हम देख सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अब अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुके हैं। वायुवीर की वीरता को सलाम आज पूरा प्रदेश कर रहा है, पूरा देश कर रहा है। कैप्टन को आखिरी सलामी देने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच चुके हैं। एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की कुछ देर में ही अंत्येष्टि होगी, उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। सेना के 3EME सेंटर स्थित मिलिट्री अस्पताल से उनका पार्थिव देह विश्राम घाट पहुंच चुका है और सीधा तस्वीरें आपको भोपाल में जिस तरह से उनको अंतिम विदाई दी जा रही है उसकी दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। कैप्टन को देश का आखिरी सलाम। पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं जो उनकी पत्नी है धर्मपत्नी गीतांजलि, उनसे वो बात कर रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं जो नौसेना की वर्दी में जो जवान हैं वो तनुज सिंह हैं, आप तस्वीरों में देख सकती हैं, और एक तरफ उनके पिता हैं केपी सिंह, उनके छोटे दोनों बच्चों के माथे पर सिर पर हाथ रखते हुए कि उनको बताते हुए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की मुखिया, और वो स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं। कि जिस तरीके से हमने मुख्यमंत्री को सुना भी था, उन्होंने कहा था कि दुख की घड़ी में वो साथ हैं, परिवार के साथ हैं, जो मदद होगी वो पूरी की जाएगी, और यही कारण है कि आज अंतिम दर्शन के लिए भी मध्य प्रदेश की मुखिया जो हैं शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं, और अभी उनके परिवार के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनका दुख बांट रहे हैं शुभांगी, और कुछ ही मिनट बाद जो हैं कैप्टन वरुण जो हैं पंचतत्वों में विलीन होंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुखिया अभी तमाम जो परिवार के सदस्य हैं, तनुज सिंह जिनसे बात कर रहे हैं, हैंडशेक किया है क्योंकि वो जानते हैं कि नौसेना में हैं, और एक अभी जो जिनसे बात कर रहे हैं वो केपी सिंह हैं जो पिता हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, अभी दोनों बच्चों से और उनकी माँ उमा सिंह और एक तरफ उनकी पत्नी वरुण सिंह की गीतांजलि, तमाम परिवार के सदस्य के साथ वो मौजूद हैं, बात कर रहे हैं, दुख की घड़ी में संतावना दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये दुख सिर्फ उस परिवार का नहीं है, पूरे प्रदेश का है, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप देखिए धीरे धीरे जो मुख्यमंत्री हैं ये आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, जो राष्ट्रीय सम्मान के साथ जो सेना की औपचारिकताएँ रहती हैं उसके साथ अब यहाँ पर जो
अंतिम यात्रा पर जो हैं वरुण सिंह निकलेंगे। और अभी आप जो देख रहे हैं तस्वीरों में कैप्टन वरुण सिंह के पिता की आप आंखों में देख सकते हैं, कहीं ना कहीं गम है, आंसू साफ नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने एक अपने बड़े बेटे को खोया है, तो उसका गम जो है उनकी जो पूर्ति है वो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन वो जानते हैं कि वो देश की सेवा करते हुए उन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं। और उनका स्टेटमेंट भी हमने सुना था जब उन्होंने कहा था कि वो एक योद्धा हैं, वो ज़रूर आज हमारे बीच नहीं हैं लेकिन कई दिलों में वो ज़रूर जीवित हैं। और उन्हें उनकी मौत जो उनकी जान गई है उस पर गम से ज़्यादा उन्हें फ़ख्र है कि उन्होंने देश की सेवा करते हुए उनकी जान जो है गई है। कुन्नूर हादसे में हमने देखा कि जिस तरीके से पहले ही दिन 11 लोगों का दुखद निधन हो गया था, उसके बाद जो है कैप्टन वरुण ही सिर्फ इकलौते थे जो करीब 8 दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। 3 से 4 उनके ऑपरेशन भी किए गए, डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की लेकिन शायद ये किस्मत को मंजूर नहीं था और आखिरकार उनका जो बुधवार सुबह जो है दुखद निधन हो गया। और आज जो है उनका पार्थिव देह अब अंतिम संस्कार के लिए विश्राम घाट लाया गया है। कल सेना के विशेष विमान से उनका पार्थिव देह लाया गया था और एयर कार्गो पर श्रद्धांजलि के लिए उनके जो पार्थिव देह है उसे रखा गया था, जहाँ पर सेना के तमाम आला अधिकारियों उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। उसके बाद उनके जो सन सिटी कॉलोनी है जहाँ पर वो उनके पिता उनकी माताजी रहते हैं वहाँ पर भी उनके पार्थिव देह को रखा गया था, जहाँ पर स्थानीय लोगों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके परिवार के लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी। लेकिन कल भी एक भावुक क्षण था जब उनकी जो पार्थिव देह घर पहुँचा था तो उनके पार्थिव देह पर उनकी बहन जो हैं उन्होंने तिलक लगाया था, आरती उतारी थी। समझ सकते हैं कि जब एक योद्धा घर वापस आता है तो उसकी किस तरीके से उसका स्वागत किया जाता है। उसी तरीके से हमने स्वागत कल उस बेटे का देखा था, उस भाई का देखा था, जब परिवार के तमाम सदस्यों ने घर के बाहर जब पार्थिव देह पहुंचा था तो उसको तिलक लगाया गया था, उसको श्रद्धांजलि, उसको आरती उतारी गई थी। अंतिम बार आप देख सकते हैं उनकी जो पत्नी हैं गीतांजलि, उनके जो बेटे हैं बड़े बेटे, वो अंतिम बार अपने जो वरुण हैं उनको उनसे अंतिम बार मुलाकात कर रहे हैं। जानते हैं कि ये अंतिम बार है जब वो उनसे उन्हें देख रहे हैं। उनकी छोटी बेटी भी उनके बीच में मौजूद है और पीछे उनके चाचा जो तनुज, उनका पूरा परिवार का सदस्य। लेकिन एक पत्नी के लिए एक भावुक क्षण होता है जब वो अपने पति को इस तरीके से जाते हुए देखती है, कहीं ना कहीं बहुत ही भावुक क्षण। जहाँ पर उनका पार्थिव देह रखा हुआ है वहाँ पर उनकी जो बेटी है वो वहीं पर, शायद उनको अभी पता नहीं है कि अब उनके जो पिता हैं वो उनके बीच नहीं रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उनके जो बेटे हैं, उनकी जो बेटी हैं, उनकी जो धर्मपत्नी गीतांजलि हैं, उनके पीछे आप देख रहे हैं केपी सिंह साहब अपनी वर्दी में, और एक तरफ उनके भाई जो उनकी माँ को संभालते हुए उमा सिंह को, पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। आज दुख की घड़ी है पूरे परिवार के लिए और अंतिम विदाई, अंतिम दर्शन, अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम मुलाकात यहाँ पर करते हुए परिवार के सदस्य जानते हैं कि अब दोबारा वरुण सिंह से मुलाकात नहीं होगी। लेकिन उन्हें इस गम से ज़्यादा फ़क्र है कि आज जो उनकी जान गई है वो भारत देश की सेवा करते हुए गई है। क्योंकि कुन्नूर हादसे में जिस तरीके से हमने देखा कि पहले दिन ही 11 लोगों ने जान गंवाई, जिसमें CDS विपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 11 लोग पहले ही दिन उस हादसे में, बिल्कुल आकर्ष तस्वीरें हम देख सकते हैं, बेहद दुखद तस्वीरें हैं। पूरा परिवार अंतिम विदाई दे रहा है कैप्टन वरुण सिंह को, और जिस तरह से उनकी माँ का कहना है कि वरुण के लिए एयरफोर्स एक पैशन था और हमेशा से उन्होंने अपने फ्लाइंग के लिए, अपने एयरफोर्स के लिए तमाम प्रयास किए थे। बहुत प्रयासों के बाद उन्होंने इस मुकाम पर वो पहुँचे थे, और उनकी माँ का कहना था कि तुम एयरफोर्स फ्लाइंग के लिए जिए हो और उसी के लिए ही मरे हो। उनका जाना पूरे परिवार के लिए गौरव की बात है, और जिस तरह से हमने देखा कि उनकी
माँ जो है उनका कहना था कि जिस तरह से वरुण ने हमेशा एयरफोर्स को अपने पैशन को अपने काम को प्राथमिकता दी है और उसी काम के लिए वो जिए उसी काम के लिए वो मरे, ऐसे में उनके लिए उनका जाना एक गौरवपूर्ण बात है पूरे परिवार के लिए। और उनका पैशन उनका प्यार एयरफोर्स था, फ्लाइंग उनको पसंद था बचपन से ही उनकी माता जी का कहना है। ऐसे में कैप्टन को आखिरी सलाम देता हुआ ये परिवार, वाकई बहुत ही अनोखा गुडबाय उनकी माँ ने अपने बेटे को दिया है। उनका कहना है मेरा आशीर्वाद मेरे बेटे के साथ है, जिस जहाँ में मेरा बेटा होगा हमेशा वो खुश रहे, हमेशा वो उस तरह से उड़ता रहे जिस तरह से उसने एयरफोर्स में देश की सेवा में सेवाएं दी हैं। अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा है, तस्वीरें हम देख सकते हैं आकर्षक, किस तरह से कैप्टन के चाहने वाले सेना के तमाम प्रमुख अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ काम करने वाले सभी जवान यहाँ मौजूद हैं और अंतिम विदाई कैप्टन को दी जा रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुंचे थे, अंतिम विदाई दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद वहां मौजूद हैं विश्राम घाट पर। बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल वरुण सिंह लगातार जिंदगी मौत की जंग लड़ते रहे और उनका दुखद निधन हो गया। वरुण 7 दिन से बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती थे, लगातार उनका इलाज जारी था और पूरा देश यही उम्मीद कर रहा था, यही दुआएं कर रहा था कि कैप्टन वरुण सिंह सकुशल अस्पताल से वापस लौटे हैं, लेकिन वे ये जिंदगी की जंग हार गए क्योंकि इतनी ज़्यादा इंजरीज उनको थी, फायर इंजरीज थी जिसके चलते उनका दुखद निधन हो गया। तस्वीरें हम देख सकते हैं किस तरह से उनके प्रियजन तमाम जनप्रतिनिधि उनके चाहने वाले अंतिम सलाम अंतिम विदाई देने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें बैरागढ़ स्थित यथाशक्ति विश्राम घाट की आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कुछ देर पहले यहां पहुंचे, उन्होंने कैप्टन को अंतिम विदाई दी नम आंखों के साथ और पूरा परिवार गौरवपूर्ण है। परिवार का कहना है कि अपने काम के लिए हमेशा से पैशनेट रहे वरुण सिंह काम करते करते ही इस दुनिया को अलविदा कह गए और उनका जज्बा उनका जाबाज तरीका अपने काम के लिए उनकी कर्मठता हमेशा दूसरों के लिए मिसाल बनेगी।